सबसे पहले हम अपने लिए जोरदार ताली बजाइएगा, जोरदार ताली। ये ताली खुशी की नहीं है, ये तालियां हमारे आंसुओं की तालियां हैं और एक मोहब्बत यहाँ जो कायम हो रही है यहाँ पर, जो आज सेव कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम संविधान को बचाने के लिए कौन सामने आए हैं आज, जिन्हें असहाय समझा जाता है, आपको सिर्फ घर का चूल्हा चौके को ही संभालने के लिए कहा जाता है, लेकिन आज आपने दिखा दिया कि हम महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। तो आइए हम मिलकर आज यहाँ हम किस किस हक के लिए आए हैं, मैं दिल्ली मानवाधिकार कमीशन की को यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ, उससे ज़्यादा मैं महिला शक्ति को, हर एक नारी को मैं प्रस्तुत करती हूँ, जिसकी आवाज़ें शायद घर से बाहर नहीं निकलती हैं, जिसे केवल चूल्हे चौके तक सीमित रखा जाता है, लेकिन आज हमारे भारत की नारी सब, हर एक हमारे देश के हर एक कोने में ये आवाज़ें दे रही हैं, चिल्ला चिल्ला कर रही है कि अगर डिटेंशन कैंप में एक माँ को नागरिकता दी गई है और उसके बच्चे जो है वे बाहर हैं और माँ डिटेंशन कैंप में है, ये कैसा कानून है आप सब बताइए, जिसे परिवार को बांट दिया गया है, ये नागरिकता जो घर घर को बांट रही है, माँ और पिताजी के पास नागरिकता नहीं है, क्यों क्यों वे अपनी नागरिकता को स्पष्टीकरण नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि माँ जो शायद 70 साल की है, 70-80 प्लस की है, वे अपने बाप का तो राशन कार्ड दे रही है, लेकिन उसके दादे का नाम वे नहीं लिखा, जो कि मैं अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रस्तुत कर पा रही है, तो इसलिए वह इस देश की नागरिक नहीं हो सकती। तो क्या आपके बच्चे नागरिक होंगे और क्या आप इस देश से बाहर होंगे? आज हम यहाँ मिलकर ये बात अपने आप को समझाने आए हैं कि अगर ये नागरिकता धर्म के नाम पर दी जा रही है, कुछ देशों को दी जा रही है, प्रोसिक्यूशन के नाम पर दी जा रही है, तो हम सब उसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हम सब उसका वी से नो टू सच सिटीजनशिप। हमें ऐसी नागरिकता की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है आर्टिकल 14, जब हम डिस्क्रिमिनेटेड कर रहे हैं लोगों को धर्म के नाम पर, श्रीलंका और म्यांमार के लोगों को क्यों हम आप उनको क्यों नहीं बुला रहे हैं, क्यों हम केवल बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, क्यों केवल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम उन्हीं देशों को बुला रहे हैं, हम नहीं जानते उसके पीछे क्या राज है। तो क्या भारत एक ऐसा देश नहीं है जिसने पूरे विश्व को ये बता दिया है कि भारत हर धर्म को, हर संस्कृति को गोद में लेता आया है, उसका दमन जब जब हुआ है धर्म के नाम पर, जब जब लड़ाइयाँ हुई हैं, तब तब नारी सबसे पहले निकल कर आई है, वह अपना खून बहाती है, क्योंकि अगर नारी बाहर निकल कर आती है, इसका मतलब है उसका पूरा परिवार उससे पीड़ित है, पूरा देश की नारियां आज उथल पुथल हो गई हैं, क्योंकि उनके घर पे, उनके घर में घुसकर उन्हें बलात्कारी घोषित किया गया है, उन्हें उनके ऊपर उग्रवाद के केस लगाए जाते हैं। तो यहाँ हम धर्म के नाम पर नहीं आए हैं, हम ऐसी नारियां हैं जो धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत के धर्म को पहल देते हैं, हम इंसानियत को सलाम करते हैं, क्यों, क्योंकि मैं कोई एक ऐसा धर्म नहीं है जिसमें काला खून है, खून सबका लाल है, लहू का रंग क्या है, लहू का रंग क्या है, हिंदू का खून क्या है, मुसलमान का खून का रंग क्या है, ईसाई का रंग क्या है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, कोई भी पारसी धर्म ना मानने वाला हो, उसके खून का रंग केवल लाल है, और इंसानियत का रंग हमेशा
हमेशा के लिए लाल रहेगा। इसका मतलब हम सब तब तक खड़े हो जाएंगे महिलाएं, तब तक इस चाहे वह सरकार हो चाहे कोई भी दैविक शक्ति हो जो हमें कुचलना चाहती है, इस देश को कुचलना चाहती है। जैसे मेरे स्पीकर ने पहले मेरे से जो आए थे उन्होंने कहा था नायर जी ने कि हमें उठना है, जागना है, उस अडानी अंबानी के खिलाफ युद्ध करना है जो हमारे जंगलों को, हमारी जमीन को, हमारे पानी को, हमारी जायदाद को, हमारे बैंक अकाउंट्स को लूट रहे हैं। आप उन्हें पकड़िए, उन्हें आतंकवाद घोषित कीजिए, उन्हें सजा दीजिए, ना कि आम जनता को जो केवल अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रही है। हमें रोजी रोटी की तक सीमित भी रहने दीजिए ताकि आने वाले समय में हमारे ऊपर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई हमें हलाल ना करे। तो ये समय आ गया है प्रिय दोस्तों, ये आज नारियों का संघर्ष है। नारी का संघर्ष का अर्थ है सारे भाई हमारे साथ खड़े हैं, सारी संस्थाएं हमारे साथ खड़ी हैं। इसलिए आज इनकलाब जिंदाबाद नारी की शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ, और आने वाले दिनों में वह जो सारी कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं, ग्रेट कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं आपको बधाई देती हूँ। अलायंस अगेंस्ट CEA के जो सारे ग्रुप्स, महिलाएं, पुरुष एक्टिविस्ट, मीडिया, एडवोकेट्स, सारे धर्म से अलग होकर जो लोग आज यहाँ आए हैं, दूर तक तक ये आपकी आवाज़ पहुँचे और इस CEA को जो हमें नागरिकता दे रहा है, नागरिक हम खुद बनेंगे ना कि कोई और हमें देगा। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।